तो सर आज हम देखने वाले हैं जफर ड्रामे के एपिसोड 9 की हाइलाइट्स। भाई 8 एपिसोड हमने देख लिए, काफी खतरनाक मोड़ आ गया है इस ड्रामे में। उसने जहर खा लिया है शहर खान ने, तो भाई देखते हैं अब आगे क्या होता है। उस बंदे ने भी जहर खा ही लिया होगा, तो देखते हैं आगे होगा क्या। ऑब्वियसली दोनों को इतना खतरनाक वाला प्यार है, दोनों ने जहर खा लिया, अब देखते हैं इन दोनों में से कौन बचता है या फिर दोनों ही बच जाते हैं। ऑब्वियसली ड्रामा आगे बढ़ाते हैं, दोनों बचेंगे लेकिन कैसे बचेंगे वो देखना जरूरी है। चलो शुरू करते हैं अभी को। ये जो है हाइलाइट्स है एपिसोड 10 की, सॉरी 8 की। ये खाया हुआ है ना इसने जहर। अभी बेचारे इस बंदे का क्या कसूर था यार, ज़बरदस्ती ज़िंदगी बर्बाद करने में करी होगी इसकी या फिर अजाब। ऐसे 8 एपिसोड हम देख रहे हैं, एपिसोड 9 है। हाँ 8 हमने देखी, 9 है। गई असर हो गया। ये बंदा तो बेचारा बेफिजूली, इसकी तो शादीशुदा ज़िंदगी में अगर एक कमंकल होता है ना तो दूसरे की लाइफ ख़राब कर देता हो क्यों। बट एक बात बोलूँ, ऐसी जोड़ी बहुत लंबी चलती है, एक कमंकल और एक अकलमंद। अम्मी, निम्रा, अंजलि, प्लांट स्लीप, वेक अप। अंजलि, क्या हुआ? से क्या हुआ? ड्राइवर को बोले गाड़ी निकाले, ड्राइवर को बोलो गाड़ी निकाले यार। क्या हो गया इसको? तबीयत नहीं ठीक। अच्छा इसको हॉस्पिटल लेके चलो। हाँ। होना नहीं है अंजलि। निम्रा, कहाँ हॉस्पिटल लेके चलो? हाँ चलें। चलो उठाओ। भाई साहब इसको पता भी नहीं ना जहर का, शायद वो बाद में दिखेगा। वो तो खुद डॉक्टर है ना यार, पता कर लेगा। वो तो उसको लग रहा है बीपी लो हुआ होगा। हाँ शादी के बीपी लो होता है ऐसे टाइम पे लड़कियों का, बिल्कुल होता है। क्योंकि खाया पिया होता नहीं है कुछ, खाना खिलता नहीं है। बट वो कमरे में घुसते जैसे पहले वो मुस्कुराई, फिर वो मुस्कुराया तो उसको तो नॉर्मल लगा होगा कि हाँ ठीक है मुस्कुरा दिए। दिल पे तो लगी बंदे के यार, दिल पे लगी यार। ओ भाई साहब। बेटा बेटा ये तुमने क्या किया? हाँ क्या किया? हाँ पे क्या किया? हाँ क्यों दुश्मन हो गए आप लोग मेरे? क्या मुझे पढ़ने की भी इजाजत नहीं है? मेरा फोन आपके पास है? नहीं मेरा अपना फोन मेरे पास है। मुझे कॉल करनी है। किसे? दीबू की एक फ्रेंड से उस लड़के का पता करूंगी। दारा जो होना तो हो चुका, वो खामखा बदनाम हो जाएगी, प्लीज रहने दो। उस लड़के को कुछ हो गया तो? मैं तो यही कहूंगा प्लीज डोंट डू दिस। कितना अच्छा जमाई मिला है हमें। नहीं आप लोग बैठे मिलके मैं उसकी रिपोर्ट्स देखती हूं। केयर करता मेरी बच्ची की। बहुत इंटरेस्टिंग कैरेक्टर लेकिन जवाई राजा भी नुमैर क्या सोचेगा? हाँ क्या सोचेगा नुमैर? यार स्कोर गुस्सा आएगा। मुझे लग रहा बढ़िया लगा इसी बात की पड़ी लगा था मुझे डायलॉग रहेगा। मैं हंस रहा हूँ बिकॉज मुझे मतलब पता था पहले से ऐसा कुछ होने वाला है, गलत मत समझना। चली जाए यहाँ से। नफरत है मुझे आपसे। ओ भाई साहब, भाई इससे क्यों नफरत करी? इसने तो मिलवाया भी था सब कुछ, पर लास्ट में उसने मिलवाया भी था। हाँ यार ये बात भी सही है, लास्ट में मिलवाया तो था। मेरे साथ क्यों नहीं गई थी उसने?
पहले ही मान जाते यार उसकी बात। पहले ही कम कमाता नाकारा था पर खुश तो रहती तुम्हारी बेटी। हाँ ये भी सही है, दो वक्त की रोटी में। बट इसमें ना प्यार जो दिखाया ना वो ऐसा मेच्योर वाला नहीं दिखाया, जो उर्वा का है ना कि थोड़ी मेच्योर हो गई है। मावरा का जो दिखाया है तो ये काफी यंग है ना, अभी कॉलेज में पढ़ी रही है वो थोड़ा निब्बा निब्बी वाला सीन हो गया उसके साथ क्या, तो डिसीजन भी इतने फास्ट फास्ट ले रहे हैं। अब ये मेच्योर लोग क्या थोड़ा सोच के डिसीजन लेते हैं, उनने किसी फटफट डिसीजन है, चलो ठीक है गोली खा लेते हैं, अगर हम जी नहीं सकते तो मर तो सकते हैं, लाइक वो वाला सीन हो गया यार। जो भी 14-16 प्लस देख रहे हो ना यार प्लीज़ यार इमोशनल फुल ना बनो, थोड़ा सा अपने दिमाग को यूज़ करना कि अपने घर वालों का क्या होगा, उसके घर वालों का क्या होगा। अगर आप उससे प्यार करते हो तो उसके घर वालों से प्यार करते होंगे। म्यूजिक चल रहा है इसलिए बोल दिया। सबसे मेन चीज़ यार अपने पेरेंट्स के बारे में सोचो, उस जिन्होंने आपको इतना बड़ा किया यार, इतना पाल पोस के बड़ा किया, सबसे मेन पहले उनका सोचो क्योंकि सबसे सच्ची मोहब्बत वही करते हैं। बिल्कुल मत गिल्टी फील करो, तुम्हारी कोई गलती नहीं है। मेरी ही तो गलती है, मैंने उसको नहीं सीरियसली लिया, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। सीरियसली ले भी लेती इस बात को, उनकी शादी तो नहीं करा सकती। सही बात, तुम समझ नहीं रहे हो हसन, नुमैर और दीपू दोनों की नज़र में बुरी तो मैं बन गई हूँ ना, ये पता नहीं क्या कर दिया मैंने। ज़ारा तुमने जो किया सही किया। और उस लड़के का क्या? उस लड़के का क्या ज़ारा, ओवर थिंक नहीं करो ना। कुछ भी कहो मैं कल जाऊँगी उसके घर। पराए पड्डे में डांग मत उड़ा। पराया पड्डा नहीं है हसन, वो मेरी बहन है। मैं नहीं चाहता तुम्हें कोई कुछ कहे। प्लीज के भाई ये बंदा समझ में नहीं आता। चेंज करने जा रहा हूँ, चले जाएंगे कल भाई। पल में तोला पल में माशा। हाँ ये बंदा मुझे अभी तक समझ में नहीं आया, ये कैरेक्टर है क्या? बाकी एक्टिंग गजब करती है बंदी। है मेरे मालिक, मैंने क्या कर दिया? उसके पापा को गिल्ट में डाल दिया। कर देना मेरा बेटा। मुझे वो इसके घर ले जाएंगे, उसकी माँ से माफी मांगनी है मैंने। हाँ चले चलेंगे, अभी डॉक्टर्स राउंड पर आने वाले हैं, उनसे पूछकर फिर इसे घर ले चलते हैं। छुट्टी हुई नवैर आएगा? आई थिंक आएगा। आना तो नहीं चाहिए उसे। आना तो सही बात है यार, क्यों आएगा वैसे भी, पर वो बंदा ही इतना अच्छा है। हाँ ये भी है, उसका वार्ड नहीं है। मुझे घर नहीं जाना। मेरे बच्चे मुझे माफ कर दो प्लीज। मैंने कहा ना मैं घर नहीं जाऊंगी, और मैं आपकी बेटी नहीं हूँ। आ गया यार। माफ? इस बंदे की जगह कोई और बंदा होता तो इसके माँ बाप को कितनी बातें सुनाता यार। दोनों ही जा रहे हैं क्या बाहर? अच्छा दोनों जा रहे बाहर, वो अकेला बात करेगा। वैसे ये समझाते अच्छा है, एपिसोड वन में देखा था। क्या फोन? अरे लेके आ गया, उसके पास ले जा रहे हैं। हाँ तुम्हें रास्ता पता है? चाहो तो हम किसी और टाइम जा सकते। उसका नहीं, क्या नहीं, हुआ मुझे अभी ये अभी तक हमें नहीं पता है। उसके जनाजे में जाना चाहती है, जिंदा भी है या नहीं? जहाँ से लेफ्ट लेना। खुद भी बीमार है यार, उसको घबराहट हो रही है। यहाँ तो कुछ मामले नहीं है, ये बच्चों के साथ खेल तो नहीं रहा है इनके साथ ही। ओ भाई साहब क्रिकेट खेल रहा है भाई मजे से,
उसने जहर खाया नहीं मतलब। ओ माय गॉड, एक तरफा प्यार वाला सीन हो गया है तो। चीट कर दिया यार, चीट करा इसने, बहुत बड़ा वाला गेम खेल लिया। मुझे लगा उसको भी अस्पताल लेके होंगे, बचा लिया होगा उसको, बट ऐसा नहीं है, यहाँ तो कुछ और ही गेम हुआ है। बहुत गलत किया है यार इस बंदे ने, बहुत गलत किया है। देख लो भाई, माँ बाप की ना सुन के क्या होता है। हम लड़के होके बोल रहे हैं, सभी लड़के ऐसे होते हैं। ओ भाई, मेरा वाला अलग है। मेरा वाला अलग नहीं होता है, तेरा वाला भी सेम है। ये भी शौक में। दिलीप, दिलीप क्यों बोले ना? अंदलीप नाम है उनका। अच्छा, अंदलीप नाम, भूल जाता हूँ यार बार बार। सस्पेंस थ्रिलर बन गई ये तो। ये ट्विस्ट खतरनाक था यार, मुझे तो कुछ और ही लगा था, ये कुछ और ही होगा। ये ट्विस्ट मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था। अब समझ में आया मुझे वो टीजर्स, एक सीन याद आ रहा है मुझे टीजर का, कि ये उसके बॉयफ्रेंड से भी नफरत करती है एक टीजर में। ओएसटी था या टीजर था, उसका रीजन समझ में आ गया मुझे। जल्दी चले यहाँ से, जल्दी चले यहाँ से। दिलीप छोड़ो मुझे, छोड़ो, इसने दवा खा ली थी, वो हॉस्पिटल में थी, वो हॉस्पिटल में थी, इसने दवा ही, क्या हो गया इसको भाई? पागल है? अब क्या हो गया? कैरेक्टर सारे पागल है इस शो के अंदर। मतलब पहले जहर खा ली, पहले जहर खाया नहीं, इतना ही प्यार था तो खा लेता भाई जहर। हाँ यार भाई, आप लोग मत खाना ये, मतलब प्रमोट नहीं कर रहे हम जहर खाने को, कोई भी ये रास्ता, प्यार था, सच्चा प्यार था तो फिर खाना चाहिए था ना, पर यहाँ पर शायद वो डर गया, पता नहीं क्या वो डर गया। अभी आने वाले एपिसोड में पता चलेगा उसका क्या था सीन, उसने, हुआ क्या उसका, उसने सोचा ही नहीं कि मैं जाऊँगा जहर खाऊँ, उसको लगा कि इसकी शादी होगी, ये भी नहीं खाएगी, मैं भी नहीं खाता हूँ, बात खत्म। या फिर उसने सोचा होगा कहीं मैंने खा लिया, उसने नहीं खाया तो। हाँ, और फिर जब उसने देखा आप, इसने तो सच में खा लिया था, हॉस्पिटल में थी, उसका प्यार जाग गया, अरे यार मेरे को खाना था यार, अब क्या फायदा भाई, अब तो वो भी जिंदा है और तू भी जिंदा है और वो तेरे पास कभी नहीं आने वाली है। पर जो भी हुआ अच्छा ही हुआ भाई, आंखें खोल दी उसने, ये अच्छा खोल दी बंदी की, ये तो है। चलो भाई, नेक्स्ट एपिसोड में क्या होने वाला है वी डोंट नो, बट हाँ ये वाला जो एपिसोड था ना, ये था बड़ा धांसू यार भाई। अब उस्मान मुख्तर जो है ना, उनके लिए कुछ होगा, उसके अंदर सॉफ्ट कॉर्नर तो कुछ तो आएगा। हाँ, और वो बंदा भी है ना बहुत सही लग रहा है, वो आई थिंक समझेगा इससे और घर ले जाएगा, अपने ही घर ले जाएगा, ये नहीं बोलेगा कि तुम्हारे माँ बाप घर जाओ, वो वाला सीन नहीं लग रहा है मुझे। उस बंदे को देख के ऐसा लग रहा है, उसके जो कैरेक्टर दिखाया है ना, उस कैरेक्टर की बात, उसकी मम्मी का क्या रिएक्शन होगा, उसकी बहन का क्या रिएक्शन होगा, वो देखना। हाँ, वो एक तो एक अलग ही कहानी है, वो अलग गिल्ट में होंगे क्या, मेरे बेटे को मैंने कहाँ फंसा दिया। बाकी आप बताओ दोस्तों, आपको आज का रिएक्शन कैसा लगा? अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, हम टीवी को जरूर सब्सक्राइब करें, लिंक डिस्क्रिप्शन में। मिलता है अगले वीडियो में।